सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद दिलविंदर। मैं हूं आपका दिलविंदर सिंह। तो गाइस हम वापस से आ चुके हैं आपके लिए एक और नई एक्साइटिंग वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में हम जो हजूर साहब के आसपास के जो गुरुद्वारा हैं उनके दर्शन करने जा रहे हैं, तो आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं। सो भाई यहाँ पर हमको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक देखने को मिला, क्योंकि दूसरी साइड जो था सड़क पर काम चल रहा था। और यहाँ पर भाई लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं ना कि अगर एक तो तुम आ रॉन्ग साइड रहे हो और ऊपर से जो सामने वाला लोग आ रहे हैं उनकी रास्ता रोक रहे हो। और इधर देखो ठोक भी दिया ऑटो इसने तो, और ये देखो बिल्कुल सामने लगा कर खड़ा कर दिया ऑटो बस के भी। अगर इधर से कोई यार ट्रैफिक क्लियर होगा तभी तो तुम आगे जा पाओगे ना, उड़ के तो जाने वाले नहीं हो। तो भाई ये चीज़ हर जगह होती है इंडिया में, तो इस चीज़ को मत किया करो आप लोग। अगर आप ऊपर ओवरटेक कर रहे हो ना किसी चीज़ को, तो वो दूसरी साइड से जो आने वाली चीज़ है वो आगे जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। इस वजह से ट्रैफिक इससे ज़्यादा ही लगता है, कम नहीं होगा ट्रैफिक। तो इस चीज़ को मत किया करो भाई, आप उड़ कर जाने वाले तो हो नहीं, ठीक है ना। वो क्लियर होगा तभी जा पाओगे। तो ये है गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहिब। इतिहासकारों के अनुसार गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना खजाना रखा था जो कि बाद में प्रकट हुआ था। तो यहाँ पर जब गुरु गोबिंद सिंह जी आए तो उन्होंने उस खजाने से जो है अपनी फौजों को तनख्वाह दी, और जो उनके साथ आए थे पंजाब से जो वापस जा रहे थे उनको तनख्वाह दी, और वापस इसी स्थान पर आकर उस खजाने को रख दिया। और उन्होंने यहाँ पर आकर एक वचन भी किया था कि जब सिख 96 करोड़ी हो जाएंगे तो उस टाइम पर ये जो खजाना है वो अपने आप प्रकट होगा। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये तप स्थान है बाबा बीर सिंह जी का, जो कि जलंधर के रहने वाले थे। तो यहाँ पर जो है आपको बाबा जी के खजाने के जो है सिक्के दिए जाते हैं, जैसे कि अभी देखिए हमको मिला है ये सिक्का। तो ये जो गुरुद्वारा है ये बिल्कुल माल टेकड़ी गुरुद्वारा जी के बिल्कुल पास में ही है, आप जब भी आएँ तो यहाँ पर भी ज़रूर दर्शन करके जाएँ। तो बाकी आगे हम चलते हैं और गुरुद्वारा साहिब में, तो उनके आपको दर्शन करवाते हैं। सो अभी हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा हीराघाट साहिब। तो यहाँ के इतिहास अनुसार यहाँ पर बहादुर शाह आया था, उसने गुरु साहिब जी को एक हीरा भेंट किया था, वो हीरा जो काफ़ी कीमती था, जिस वजह से बहादुर शाह को बहुत ज़्यादा हंकार आ गया कि गुरु साहिब जी को इतना कीमती हीरा कोई और भेंट कर ही नहीं सकता। तो गुरु साहिब जी कहे थे कि जो मन की पढ़ लेते थे, तो गुरु साहिब जी ने क्या किया, उसका हीरा उठाया और गोदावरी नदी में फेंक दिया, जिस वजह से बहादुर शाह ने गुरु साहब जी से पूछा कि आपने इतना कीमती हीरा गोदावरी नदी में फेंक दिया। तो गुरु साहब जी ने उसको बोला कि तुम जाकर चेक देख लो कि हमने जो तुम्हारा हीरा है वो अपने खजाने में रख दिया। तो जैसे ही बहादुर शाह जाता है और गोदावरी में देखता है तो वहाँ पर और कई तरह के कीमती कीमती उससे भी कई कीमती हीरे देखने को मिलते हैं, तो जिस वजह से बहादुर शाह का जो हंकार है वो टूट जाता है। तो यही है यहाँ का इतिहास।
तो अभी आप जो गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर रहे हो, ये है माता साहिब देवान जी। तो यहाँ पर माता साहिब देवान जी का ये तप स्थान है, यहाँ पर माता जी तप करते थे। और यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने वचन किए थे कि यहाँ पर जो लंगर है वो हमेशा अटूट बरतेंगे, कभी भी मतलब कि समाप्ति नहीं होगी लंगर की। तो उनके वचन के अनुसार यहाँ पर हम 24 घंटे क्या है कि लंगर चलता है। यहाँ पर ज़्यादातर दरबार साहब के आसपास ही, मतलब कि जितने भी दरबार साहब हैं मोस्टली गोदावरी नदी पास में ही हैं उनके। और दूसरी सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि यहाँ पर जितने भी दरबार साहब हैं वो वहाँ सभी जगहों में जो इतिहास है उसी टाइम सभी संगत को श्रवण करवाया जाता है। और अभी हम बढ़ रहे हैं माता जी के तपस्थान की ओर। तो यहाँ पर जो उनका नीचे सही तपस्थान है जहाँ पर वो बैठ कर तप करती थी वो इधर से है, ये सीढ़ी आपको दिख रही होंगी। बट इधर हम क्या है नीचे जाकर जा सकते हैं, बट दर्शन कर सकते हैं, बट वीडियो नहीं बना सकते, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया वो जगह की। और ये उसी के ऊपर बना हुआ है जहाँ पर मतलब कि माता जी का तपस्थान है, ये बिल्कुल उसके ऊपर बना हुआ है। तो आप यहाँ पर कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर हम वीडियो शूट कर सकते हैं। और ये साथ में यहाँ पर एक गैलरी बनी हुई है, यहाँ पर बहुत सारी आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। तो मैंने सबकी वीडियो नहीं बनाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उस टाइम में यूज़ होने वाले हथियार हैं, यहाँ पर आपको पिस्टल भी देखने को मिलेगी, दो तीन गन्स भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लंगर हॉल है यहाँ का, जहाँ पर अटूट लंगर वर्तता है। और बाकी अगर बात करें यहाँ के रास्ते की, तो यार आपको मिक्स सा रास्ता मिलेगा, बीच में प्लेन भी है और कभी कभी मतलब कि थोड़े बहुत पहाड़ भी आ जाते हैं, मतलब इसको आप माउंटेन्स बोल सकते हो, हिली एरिया तो नहीं है ये, एक माउंटेनी एरिया है, ज़्यादा कोई ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो नहीं है यहाँ पर। बाकी यहाँ का एरिया जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप देख सकते हो वो साइड गोदावरी नदी चल रही है, अभी गोदावरी नदी के पास में है हम। सो भी हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा शिकार घाट जी। तो जब गुरु साहब जी इस स्थान पर आए शिकार करते हुए, तो शिकार करने के लिए गुरु साहब जी यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने एक छोटे से खरगोश का शिकार किया। तो जिसको देखकर उनके साथ आए सिख थे जो, वो गुरु साहब जी से पूछने लग गए कि आपने एक छोटे से खरगोश का शिकार करके अच्छा नहीं किया। तो गुरु साहब जी ने उनको जवाब दिया कि हमको शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारे पहले जामे यानी कि गुरु नानक देव जी के एक सेवक थे जिनको हमने 84 लाख जून से मुक्ति दिला दी है। तो जैसे ही गुरु साहब जी ये बात बोलते हैं, तो वो उनको जो उनकी मुल्ला खत्री होते हैं जो गुरु नानक देव जी के बहुत ही सेवक होते हैं, जो गुरु नानक देव जी के सेवक होते हैं, उनकी जो आत्मा है पवित्र रूह है वो बाहर आ जाती है उससे। तो इस स्थान को इसलिए शिकार घाट का नाम दिया गया। तो बाकी आप दरबार साहब देख सकते हैं, दरबार साहब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खूबसूरत दरबार साहब बना हुआ है। बाकी यहाँ पर आज जो है सूरज भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितना भी ग्रेफाइट लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, जिससे दरबार साहब की जो खूबसूरती है वो और भी दुगनी हो रही है।